Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है जुमरात, तो आज हमारे घर पे दुआ है। अभी मैं अपने ऊपर नए वाले घर में बैठी हूँ, जिसके आपने पिछला व्लॉग देखा होगा। ये होता है जब आपके घर बिल्कुल ना मेन रोड पे नहीं, लेकिन मेन गली में। हमारी जो गली ना वो मेन है, यहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना शोर शराबा बहुत होता है, तो इसलिए आवाज़ सारी आती है। अभी मैं बाहर बैठी हूँ। मैं कह रही थी कि आज हमारे घर पे दुआ है, तो उसकी तैयारियाँ वगैरह सब हो गई है। ठीक है, मैं आपको दिखा दी, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ एक झलक कि मैंने क्या क्या बनाया था। मामा के साथ मिलके बनाया है, और फिर मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। स्किन केयर रूटीन नहीं कहूँगी मैं इसे, मैंने एक न्यू रेमेडी देखी। मैं मुझे ना रेमेडीज़ करना, होम रेमेडीज़ बहुत पसंद है। लाइक बाहर से फेशियल किट वगैरह खरीदने से अच्छा कि बंदा घर में ही जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, टोटके वगैरह करके वो करे, तो मैं घर के टोटके बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो वो है, ठीक है, मैं वो करूँगी। मैंने न्यू देखा तो मैं वो करूँगी। कुछ तो मैं पुराने जो करती रहती हूँ वो तो रेगुलर होता है। अभी आप देखेंगे मेरी स्किन थोड़ी सी ग्लो कर रही है, क्योंकि मैं वो कर चुकी हूँ। मैं दोबारा जब करूँगी कल, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो इसी वीडियो में होगा कल, मतलब मेरे लिए करोगे, लेकिन आपके लिए आज ही होगा। और पहले आप जैसे पिछले कुछ झलक देखे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने भी बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है। मैंने सुबह उठ के जो मूड हुआ उसके बाद वैसी हालत है, तो आपको थोड़ा भी अगर ग्लो श्लो दिख रहा है ना, तो वो सारा उस रेमेडी का कमाल है, मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये बनाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बिजी थी और मैंने बहुत जल्दी ही बनाया था। इसमें जी हाफ स्पून हल्दी, 3 चम्मच बेसन, ठीक है, जिससे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, और 1 चम्मच हनी, ठीक है, शहद, और थोड़ा सा पानी आपने मिक्स कर देना ताकि ये पेस्ट बन जाए, ठीक है। गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा ये, बिल्कुल जिस तरह के एलोवेरा जली है तो उस टाइप का, तो ये इस तरह बन जाएगा। फिर आप इसको लगाएंगे और इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आज लगा लिया, अभी कल के लिए मैंने रखा है, तो अब मैं कल जब लगाऊंगी तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से होके आई हूँ, मुझे कुछ काम था यूनिवर्सिटी में। क्लासेस हमारी नहीं हो रही है, छुट्टियाँ हैं, अभी 15 अगस्त से जाना है, तो कुछ काम था वो करके आई हूँ। और फिर मैंने सोचा था कि मैं ना अपना स्किन केयर का जो मैंने कहा था आपको वो बना के दिखाती हूँ वीडियो में, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि उन्हें किसीर खाना है, तो अब मैं किसीर बना रही हूँ उनके लिए। वो मैं वीडियो में नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा वीडियो में बनाते हुए दिखाया है कि किसीर किस तरह से बनाते हैं हमारी बल्दी डिश, लेकिन मैं वो खुद बना के खा पी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अपना स्किन केयर शेयर कर दिया। सो जी, तो मैं अपना मुँह वो धोकर आ गई हूँ, ठीक है। मेकअप रिमूव मैंने कर लिया है, अब मैं लगाने लगी हूँ ये। मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था, तो थोड़ा सा ये जो है ना सख्त हो गया, बट लग जाएगा। ओके, तो अब हम इसको लगाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे फिंगर पे लेना है, आई होप कि अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा हार्ड हुआ हुआ ये, क्योंकि मैंने उसे फ्रिज में रखा था, तो इट्स ओके, लग तो रहा है ना। मैं पूरा लगा के आती हूँ जी। मैंने लगा लिया है, आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है। और अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक रखेंगे, सुखाएंगे, फिर हम फेस वॉश कर लेंगे। या लुक एट द ग्लो गाइस, देखिए कितना चमक रहा है मेरा स्किन। मैंने सीरियसली कुछ अभी अभी मुंह धो के आई, मैंने कुछ भी लगाया हुआ, और ये देख रहे आप, मेरे ही पिम्पल हुआ हुआ है। बेसन जो है ना वो पिम्पल और एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके एक्ने पिम्पल है तो आप उससे फेस वॉश करें बेसन से, ठीक है। और अभी ये ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में देखा, आज दूसरा दिन था मेरा, कल भी लगाऊंगी, 3 दिन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये पिंपल खत्म हो जाएगा कल तक। आई होप यू गाइस लाइक दिस। अगर आपको ऐसी और रेमेडीज चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, तो मैं आपसे शेयर करूँगी सारे रेमेडीज़ वगैरह, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन के लिए। सो क्या, लव यू।